हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे हम आपको डेली के इंटरनेट आर्गस देते हैं, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड और सिल्वर के। सो ट्रेडर्स, बात करते हैं मंडे के लिए कि क्या मूवमेंट आ सकता है। तो अगर आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें तो यहाँ पे आवर्ली चार्ट पे यहाँ पे आप एक अप ट्रेंड एज्यूम कर सकते हैं। यहाँ पे एक अप ट्रेंड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे अप ट्रेंड से बाहर निकल चुकी है कैंडल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कॉन्सोलिडेट हो रही है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाई भी बना है और यहीं से मार्केट रिवर्सल लेकर थोड़ा सा नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो यानी कि एक नेगेटिविटी सी मार्केट में नजर आ रही है। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें किस साइड का ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हमें हेल्प लेनी होगी डिसिसिव लेवल्स की। तो डिसीजन लेने में हमें हेल्प करेंगे कि मार्केट किस तरफ को जाएगी और हमें किस तरफ का ट्रेड प्लान करना है। तो दो लेवल्स हमने मार्क किया, 105.573 और 105.492 का लेवल। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो मार्केट हमें सेल साइड का ट्रेड देगी 105.446, 405, 355 और 105.278 का टारगेट। ये हमारा रहेगा सेल साइड के मूव्स। बाय साइड की अगर बात करें तो हमारे फर्स्ट टारगेट रहेगा 105.671, 105.800, 105.886। 800 को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, ऑल दो ये हिट हो जाएगा बहुत ईजिली, बट सेफ साइड प्लान करने के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं 790 पर। तो ये आप मार्क कर लीजिए हमारे ट्रेड्स मंडे के लिए, और प्रेफर कीजिएगा मंडे को थोड़े से छोटे ट्रेड्स लेने के लिए, क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाटा नहीं आ रहा है, प्लस में कुछ मार्केट्स जो है वो क्लोज रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मूवमेंट आ सकता है। गोल्ड में एक बार ड्रॉइंग्स ऑफ करके देखेंगे हम। यहाँ पर देखिए गोल्ड में किस तरह का मूवमेंट आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। मार्केट स्ट्रॉन्गली नीचे गिरी है, रिकवर किया, यहाँ पर आकर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। इसके सामने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है और इसके सामने यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सपोर्ट भी क्रिएट हुआ है। तो इन्हीं को ही कंटिन्यू करते हुए मार्केट अभी फिर से इसी लेवल पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तब तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट हमें देखिए अभी वॉल्यूम भी गिर चुकी है, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ मार्केट या तो अपसाइड पर जाएगी या फिर नीचे की तरफ गिरेगी। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, वॉल्यूम इस टाइम पर ज़रूर नोटिस कीजिएगा। और अब हम ड्रॉइंग्स ऑन करते हैं और मार्किंग्स करते हैं। यहाँ से आप इस लेवल को आप इरेज कर सकते हैं, इधर मार्क कर लीजिए क्योंकि मंडे को थोड़े से छोटे ट्रेड ही रहेंगे हमारे पास। एक लेवल हमारे पास जाएगा 2333.762 का लेवल, और सेल साइड को एक्टिवेट करने के लिए 2329 का लेवल हमें हेल्प करेगा। 2333.762 अगर ब्रेक हो जाता है तो 2335.719, 2338, 2340 हमारे बाई साइड के मूव रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा अगर बाई साइड पे जाती है मार्केट तो, और अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो 2325 फर्स्ट टारगेट, 2319 सेकेंड और 2316 थर्ड टारगेट रह सकता है। तो इनको आप मार्क कीजिए अपने चार्ट पे, और ये हमें काफ़ी गाइड करने वाले हैं। साथ ही हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ताकि आपके फंडामेंटल्स भी एक ट्रेड से पहले स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम बात करते हैं सिल्वर की। एक से जी यूएसडी से स्टार्ट करेंगे, ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं इसमें भी। हम थोड़ी सी हिस्ट्री पे एक बार नजर डालेंगे। ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही है, अगर आप यहाँ पे एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इसको टच करते हुए, और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर ही मार्केट रेजिस्टेंस लेती हुई नजर आ रही है। और जहाँ पे भी मार्केट इसके सामने देखिए यहाँ पर सपोर्ट मिला, यहाँ पे कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो एक्सएजी यूएसडी में थोड़ा सा हमें रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गोल्ड में भी हमने देखा, गोल्ड की चार्ट पे एक बार फिर से स्विच करते हैं। गोल्ड में भी देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रखा है। डॉलर इंडेक्स पे अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ गिरने की उस पर है, पॉसिबिलिटी पे है, लेकिन यहाँ पर मार्केट भी साइडवेज जा रही है और इस लेवल मार्केट सपोर्ट भी ले लिया। तो अगर यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ का मूवमेंट लिया तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ईजिली नीचे गिर सकते हैं। तो जब भी आप ट्रेड प्लान करें गोल्ड में सिल्वर में, तो एक से सॉरी DXY का चार्ट साथ में ओपन करके रखिएगा। तो हम बात कर लेते हैं क्या मूवमेंट्स रह सकते हैं। मार्किंग करेंगे, डिसिसिव लेवल्स मार्क करेंगे सबसे पहले, और ये जो लेवल्स हैं इनको हम ग्रीन में कन्वर्ट कर देंगे। इसमें आप यहाँ से हमें मार्क करना होगा 29.44 का लेवल जो है इसको आप ब्लैक मार्क कर लीजिए, 29.62 के लेवल को आप ब्लैक मार्क कर लीजिए। अपर लेवल अगर ब्रेक होता है तो मार्केट हमें बाय मूव देगी 29.77, 29.93 और 30.11।
सेल्स इन मार्के जाती है तो 29.25 इमीडिएट टारगेट रहेगा हमारा। इसको ब्रेक होते ही इस लेवल को आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से। इसके ब्रेक होते ही हमें नेक्स्ट मूव मिलेगा 29.11 का। तो ये लेवल्स रहेंगे हमारे सेल साइड के। इसके साथ ही हम सिल्वर फ्यूचर्स की भी बात करते हैं। इसके ऊपर भी हम एक बारी ड्रॉइंग्स ऑफ करते हैं और यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। और यहाँ पे मार्केट पहले भी रेजिस्टेंस ले चुकी है, अभी फिर से मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। ठीक है, तो मार्किंग करेंगे हम आवली चार्ट पे ही, ड्रॉइंग्स ऑन करेंगे। एक जैसे लेवल हमारा सेम रहेगा 88,896 का, अपसाइड के लिए 89,196 हमारा डिसिसिव लेवल रहेगा। इसके अलावा जो भी लेवल्स आपको ब्लैक नजर आ रहे हैं आप उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर दीजिए क्योंकि वो हमारे टारगेट रहेंगे। लोअर लेवल ब्रेक होता है तो 88,475, 88,233, 87,827 हमारे सेल साइड के मूव्स रहेंगे। अपर लेवल ब्रेक होगा तो हम बाय साइड में एंट्री लेंगे 89,623, 90,121। इस एरिया पे आप इग्नोर कर सकते हैं ट्रेड, बहुत छोटा सा एरिया है, क्विकली आपको एंट्री एग्जिट करना होगा जो कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है और रिस्की भी। तो प्रेफर कीजिए 90,290 के ऊपर अगर फिर से एक और क्लोजिंग मिलती है तब हम 90,646 पर थर्ड टारगेट और लास्ट टारगेट प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम प्रॉफिट्स अर्न कीजिए। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।